सोनीपत इलाके में हुई रेसलर निशा दहिया की हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड में वांछित चल रहे दो आरोपियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान पवन बराक उर्फ कोच और सचिन दहिया के रूप में की गई है। फिलहाल इनसे पूरे मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। डीसीपी संजीव यादव के अनुसार सोनीपत में हुई निशा दहिया एवं उसके भाई की हत्या के मामले में दो आरोपियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इनमें पहला नाम पवन बराक का है जो रोहतक का रहने वाला है, उसके पास से एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है। दूसरा आरोपी सचिन दहिया सोनीपत का रहने वाला है, उसे द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। दोनों पर निशा पहलवान और उसके भाई सूरज की हत्या का आरोप है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।